जिसे इश्क हो गया कैसे क्या बन गया है। तू है मुर्शिद, तू इश्क मेरा। जाने से पहले अपने किए हुए हर गुनाह की माफी मांग के जाना चाहता हूं। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। क्या जरूरत है तुम्हें सुहाना के ससुराल में जाकर तमाशा खड़ा करने की? अच्छा, नहीं रहा क्या सुहाना से? शिकायत लगा दी आपको उसने मेरी। अब तुम और ये तुम्हारी बीवी इस घर से अपना सामान उठा निकले यहां से। पैसे कमा के घर पर दे रही है ना, उसी का घमंड है उसे। तुम ही लोग तो दुम हो जाते हुए उसके पीछे जा रहे थे, इसीलिए कहा था सुल्तान के आने से पहले उसका बंदोबस्त करना चाहिए। चलता करते यहाँ से, दफा करते उसको यहाँ से। आप सही कह रही हैं, पर एक बात समझ में नहीं आ रही मुझे, इस सुहाना को हो क्या गया था? अगर मैं बीच पे नहीं आता तो इसकी तो हालत खराब कर देती हूँ। और एक और बात, ये साथ रो डाइन सना को शिकायत किसने लगाई थी? इनके सिवा और कौन हो सकता है? मैंने कुछ नहीं किया। दादा झूठ मत बोले आपा। माना कि सुहाना के खिलाफ हम एक हैं, पर क्या मैं आपको नहीं जानती? दावे से कह सकती हूँ कि ये गुल आपका ही खिलाया हुआ था, जिसके कांटों की जद में मैं आ गई। हाँ, मैंने कहा था थी सुहाना यहाँ से दफान हो जाए, लेकिन अम्मी की ममता जाग गई। दिल चाहते हैं उसको निकाल के बहुत फेंक दो। चलें छोड़े जो भी हो, लेकिन ये जो सुल्तान है ना, ये कोई ना कोई रद्देअमल जरूर दिखाएगा। अच्छा खासा 4-5 महीने वहां रुकता, उन्हीं पैसों से मैं कितने काम कर लेता। लेकिन देखो अपनी बीवी की मान के किधर आ गया। हद है यार, और अब वापस भी नहीं जा सकते। थोड़े पैसे आ जाए ना तो ये स्टे ऑर्डर का मामला ना मैं जड़ से खत्म कर दूं। लेकिन इस सारे बंदोबस्त से पहले वो जाके कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले आए तो? तुम तो अपनी बकवास बंद करो। तुम फिक्र मत करो नोमी, पहले ये घर हमारी अम्मा के ही नाम था ना, अब सुल्तान उनसे कोई भी ऐसी वैसी हरकत नहीं करा पाएगा। इंशाल्लाह कुछ भी हो जाए ये घर तुम्हारे नाम ही रहेगा, ये तुम्हारी सिद्रा आपा का वादा है। थैंक यू आपा, अगर ऐसा हुआ ना तो मैं आपका जिंदगी भर जो है एहसान नहीं भूलूं। और वैसे भी इस घर से हमारे बहुत से ख्वाब वाबस्ता है। सुल्तान भाई को सुहाना के सिवा कुछ नहीं चाहिए, क्या करेंगे वो इस घर का? अरे वाह भाई, खूब काम चल गया ये बिरयानी वाला तुम लोगों का। कोशिश यही से जरा पा। हाँ तो फिर एक काम करो ना, जो जॉब करती हो वो छोड़ दो, ये बिरयानियां बनाती रहो। मतलब शर्म नहीं आती तुम लोगों को? इसी कम से कम तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। तुम्हें पता है तुम्हारे चचाओं की कितनी इज्जत है इस मोहल्ले में। सुल्तान आएगा ना, वही तुम दोनों को देखेगा। वैसे सिदरा पप्पू, किसी से मांग तांग के जिंदगी गुजारने से बेहतर है कि इंसान अपनी मेहनत की खाए। तंज कर रहे हो? कर सकते हो तंज? तंज करने वालों के दर पे जो पड़ी हूं मैं, कुदरत को यही मंजूर था। इफी, ये मैं डिलीवरी के लिए बैग लेकर आया हूं। आज के बाद डिलीवरी हम थैलियों में नहीं बल्कि इसमें करेंगे। तुम्हें अपने बाप की इज्जत की कोई फिक्र नहीं है? इसमें इज्जत वाली क्या बात है, बाइज्जत रोजगार है, हलाल की कमाई है, वो भी मेहनत की।
मुझे तो शर्म महसूस नहीं हो रही। सुल्तान बहुत अच्छा किया आपको, अगर इसी तरह चलता रहा तो इन बॉक्सेस में एक दिन इतनी बरकत होगी कि हमारा अपना एक रेस्टोरेंट होगा। बिल्कुल होंगे, लेकिन उसके लिए हमें बहुत सारी मेहनत करनी है, तो प्लीज पहले मेहनत कीजिए। चलो फिर इसको पैक करते हैं। एक मिनट, इसमें कितने डब्बे आएंगे चाचू? 50 एक तो आ ही जाएंगे। पापा बस मैं किसी तरीके से ना पप्पू की हेल्प करना चाहती हूँ। मैं आपकी बेटी हूँ, आपको मेरा अच्छा फ्यूचर कितना अजीज है ना, बिल्कुल उसी तरह से वो भी तो आपकी बहन है। अगर दादा दादी होते तो आप पर इतनी जिम्मेदारी ना होती जितनी अब है, ये बात तो मानते हैं ना आप? बेटी मैं तुम्हारी सारी बातें मानता हूँ, लेकिन जो सेविंग्स मैंने इतनी मेहनत से की है वो तुम्हारे लिए, अब मैं अपनी सारी जमा पूंजी भला कैसे दे सकता हूँ सुहाना को? पापा आप उसमें से थोड़ा सा तो पप्पू को दे सकते हैं ना, उससे उनकी हेल्प हो जाएगी, कितनी सारी मुश्किलात हल हो जाएंगी। और हो सकता है उसके बदले अल्लाह ताला आपकी बेटी को अच्छा फ्यूचर दे दें। बेटा तुम अभी इतनी सी एज में वक्त की नजाकत को समझ नहीं सकते हो। ख्वाहिश करने और उसका पूरा होने में बहुत फर्क होता है। जरूरी नहीं कि हमारी हर आरजू पूरी हो। पापा क्या आप मेरी खुशी के लिए इतना नहीं कर सकते? बेटा छोड़ इन बातों को, तुम अभी फिलहाल सिर्फ स्टडीज पे तवज्जो दो। सर ये मेरा रिजाइन है। तो इसका मतलब है कि सुल्तान ने तुम्हें जॉब करने से मना कर दिया? नहीं नहीं ये मेरा अपना फैसला है, मैंने सोचा जब काम करना ही है तो क्यों ना अपना किया जाए, इसलिए मैंने फैसला किया है कि सुल्तान के साथ मिलकर बिजनेस करूंगी, और जब बिजी हो जाऊंगी तो ऑफिस आना जाना मुश्किल हो जाएगा, बस इसलिए। सुनकर खुशी हूँ, लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसमें हमारी बच्चियाँ भी काम कर सकती हैं? कुकिंग, ये हमारी नहीं बल्कि दुनिया भर की तमाम ख्वातीन की आम फील्ड है, खास हो या आम औरत इस काम में महारत हासिल रखती है, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं सुल्तान के साथ मिलकर एक फूड स्पॉट खोलूंगी। गुड, लेकिन हमारे ऑफिस से तुम्हारी शक्ल में एक बहुत अच्छी एम्प्लॉय कम हो जाएगी। बारल, आई अप्रिशिएट दैट। थैंक यू, अब मुझे इजाजत है। अरे इजाजत लेने से पहले ऑर्डर नहीं लोगी?
आज से हमारे ऑफिस में सारा खाना तुम्हारे फूड स्पॉट से आएगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम। खुदा हाफिज़। अल्लाह। हम भी ऐसा कोई काम स्टार्ट ना कर लें। मुझे हलीम बहुत अच्छा बनाना आता है। तभी हर वक्त मैं दिमाग का गोटा लगाती रहती हूँ। फालतू बातें नहीं करें अभी। उधर दिन ब दिन उनका कारोबार बढ़ता चला जा रहा है और आप भी कुछ कर लें नोमी। अब तो सुल्तान भाई के दुकान वाले पैसे भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहे हैं। मैं तो कहती हूँ कुछ भी करके घर अपने नाम करवाएं। याद नहीं है सिद्रापा कह रही थी कि अगर देर हो गई ज्यादा तो ऐसा ना हो कि सुल्तान भाई को स्टे ऑर्डर लेने का होश आ जाए। ठीक कह रही हूँ, लेकिन अम्मी को मनाना शायद मुश्किल होगा। घी टेढ़ी उंगली से निकालना पड़ेगा। सोचें, वक्त जाया मत करें। अम्मा, अम्मा! अरे क्या हुआ? ये देखें, ये नया कारोबार शुरू किया आपकी बहू ने, बिरयानी का। बिरयानी बेच रही है, वो भी आपके सुल्तान के हाथों। हाय हाय, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि सुल्ताना आमादा कैसे हुआ। अरे वो तो खुद को हमेशा सुल्तान समझता रहा। मुझे यकीन नहीं आ रहा इन बातों पे। कैसे यकीन नहीं आ रहा? बताया था ना, गुलाम हो गया है वो आपकी सुहाना का, और वो इसी को भी अपने साथ में ला लिया है। अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया है कि मेरी जिंदगी बर्बाद करने में इस सुहाना और इसी का ही हाथ है। आने दो जरा सुल्तान को, पूछती हूँ कि उसकी बीवी उसे क्या समझ रही है। कुछ भी नहीं समझती वो हम लोगों को, नौकर समझती है, नौकर हमें भी और सुल्तान को भी। आपा, क्या हर वक्त लगाई बुझाई करना अच्छी बात है? आप हमारे घर में रहती हैं, प्लीज अपनी इज्जत करवाना सीखें। और यूं हर चीज पर तनकीद करके हमारे घर का माहौल खराब ना करें। सुन रही है? सुन रही है क्या कह रहा है ये? मैं मर क्यों नहीं गई ये सब सुनने से पहले? मेरे बाप के घर में खड़े होके मेरा अपना भाई मुझे ये कह रहा है कि मैं घर का माहौल खराब करती हूँ, इल्जाम दे रहे मुझे। और आप लाई थी ना मुझे यहाँ पर, खुद तो नहीं आई थी ना मैं? सब कुछ बर्बाद हो गया, मेरा शोहर मुझसे रूट गया और फिर भी मुझे इल्जाम दे रहा है ये। अच्छा तू रोना तो बंद कर। अरे भाई ठीक कह रही है सिद्रा, कहाँ ऑस्ट्रेलिया की लाखों रुपए की कमाई और कहाँ ये बिरयानी के डब्बे लिए फिरता है तू। अम्मी कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। इस ऑस्ट्रेलिया की आप बात करती है ना, वहां लोग ऐसे ऐसे काम करते हैं जो यहां काम करते हुए लोग शर्म से डूब मरे। अगर नहीं करना पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली के लिए, उनका पेट भरने के लिए, उनकी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए। मैंने भी यही किया, वहां भी और यहां भी। मेरे लिए कोई काम छोटा बड़ा नहीं है। अच्छा भाई जैसी तेरी मर्जी, अपनी बहन को इल्जाम ना दे, ये तो बेचारी तेरी हालत देख के परेशान थी। कुछ नहीं कहा आपने उसे, मैं ही बात कर रही हूं आपसे। परेशान कर दिया इन बहन भाइयों ने मुझे। भाई भाई में सुलह कराना खालिस नेकी है। हाँ सही कहा, नेकी है, अगर कोई मुनाफिक ना हो तो। वो ये घर बेचने पे तुला हुआ है और इसकी इजाजत में उसे दे चुकी। आपने इजाजत दी? थोड़ा टाइम लगेगा, वैसे मेरे पास एक आसान आलेख।
वो क्या? एक अच्छा बिल्डर क्लाइंट है, उसे दिखा दो, शायद वो ले लेगा। बाकी के मसले मसाइल वो खुद निपटाता रहेगा। सोच क्या रहे हो? ऐसे ऐसे बहरों में बड़े रहोगे तो मसले मसाइल होंगे। तुम बस अपनी पार्टी मजबूत रखो और माँ बहन को अपने साथ मिला लो। वो तो ठीक है, लेकिन मैं अच्छे दामों में बेचूंगा। मार्केट रेट से अच्छा ही देगा। चलो मैं तुम्हें मिला देता हूँ उससे। चलो बंदा तो जान पहचान वाला है ना। अपने सारे खानदान को इकट्ठा बैठे देखकर मुझे इतना अच्छा लग रहा है अम्मी, अल्लाह का शुक्र है। अरे क्या फायदा है? जब आपस में इत्तेफाक ना हो तो क्या कुर्बत और क्या दूर। देखो सुल्तान, तुम बड़े भाई हो, अगर नोमी से माफी मांग लोगे तो छोटे नहीं हो जाओगे। चलो उठो, नोमी को गले लगाओ, सारी खफगी दूर करो। शाबाश बेटे, उठो। देखो सिद्रा कितनी अच्छी बहन है, तुम लोगों को इसकी कदर करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रही है, तो तुम बड़े हो, माफ कर दो, वरना सारी जिंदगी इसके दिल का मैल साफ नहीं होगा। उठो। अम्मी मुझे कोई एतराज नहीं है। अगर नोमी होश से काम करना शुरू कर दे तो सुलह मुमकिन है। चलो उठ जाओ, शाबाश। शुक्र है अल्लाह का, दोनों भाइयों में सुलह हो गई। देखना सिद्रा, तुझे अल्लाह मियां इस नेकी का ऐसा अच्छा अजर देगा, माशाल्लाह। बस इन लोगों को ही नहीं समझ आती अम्मी, मैं तो चाहती हूँ मेरे दोनों भाई हमेशा खुश रहें। वाकई आपा, भाई भाई में सुलह कराना खालिस नेकी है। हाँ सही कहा, नेकी है अगर कोई मुनाफिक ना हो तो। सुल्तान भाई, चाय बना के लाऊं आपके लिए? नहीं, बहुत शुक्रिया, दिल पहले ही बहुत जल चुका है। भाभी, क्या नाम है आपकी सहेली का जिसके भाई के साथ आप उस दिन रात को हॉस्पिटल भी गई थी? अरे अक्सर बाजार भी तो जाया करती थी जिसके साथ। नाम है अच्छा सा, अस्मा, अस्मा। हाँ अस्मा। रिदा, तुम्हें उन लोगों से कोई काम है? नहीं, मुझे क्या काम होगा, बस उस दिन बाजार से वापसी पे मैंने उसके भाई नबील को गाड़ी में जाते देखा था, सोचा आपको बता दूं। अगली बार देखे तो मेरा सलाम देना। क्या कह के गई है? बहुत ऊंची चीज है ये, अपने परों पर पानी भी नहीं पड़ने देती। तुझे क्या जरूरत थी ऐसे मौके पे ये बकवास करने की? आप मुझे ही कहिएगा बस। अरे शाबाश रीता, शाबाश, क्या छक्का मारा है आज तुमने। अब छक्का मारने की बारी मेरी है, ऐसा शॉट मारूंगी सारी टीम को बाउंड्री से बाहर कर दूंगी। अम्मी अब आपको फैसला करना है, या आपको हमारे साथ रहना है या फिर सुल्तान और सुहाना के साथ।
क्या कह रहा है तू? माँ के लिए सारी औलादें बराबर होती हैं बेटा। देखें अम्मी, खुदा ना करे आपको अगर कुछ हो जाए तो ये सुल्तान भाई और सुहाना तो इस घर पे कब्जा जमा के बैठ जाएंगे। ठीक तो कह रहे हैं नोमी। अरे अच्छा है आपके होते हुए ये सारा फैसला हो जाए। बिला वजह नोमी को जो है ना उल्टे सीधे हथकंडे करने पड़ रहे हैं। तुम सबकी आंखों पे ना पट्टी बंधी हुई है लालच की, और तू अभी तो सुलह सफाई की बात कर रही थी और अब नहीं। अच्छा है ना घर बिक जाएगा, कौन बाद में कोर्ट कचहरी का चक्कर काटते रहेगा। आइए आइए मुश्ताक साहब, सिर्फ इसमें ना रंग की जरूरत है, बाकी घर बहुत अच्छा है, हवादार है, रोशनी भी बहुत अच्छी आती है। यह हमारे आबा उजदाद का घर है, आपको पता है इसमें कील ठोकना भी आपको मुश्किल हो जाएगी। घर तो वाकई आपका बहुत अच्छा बना हुआ है। आप अपनी डिमांड बताएं तो फिर बातचीत हो जाती पैसों। ये भी ठीक है। बाकी की बातें करते हैं। आइए आइए। वो फैसला कर चुका है, मेरी किसी बात का असर नहीं लिया। मैं एक बार बात करके तो देखें, वो मुझसे कुछ भी लिखवा ले, मैं लिखने के लिए तैयार हूं। मुझे इस दरो दीवार से कोई कोई सरोकार नहीं है। मैं सबके साथ मिलकर रहना चाहता हूं अम्मी, मुझे आदत है आप सब लोगों की। वो ये घर बेचने पे तुला हुआ है और इसकी इजाजत मैं उसे दे चुकी। आपने इजाजत दी? लेकिन क्यों अम्मी? वो अपनी बीवी के कहने पे कहीं तुम्हें कोई नुकसान न पहुंचा दे, इसलिए। जब इंसान की आंखों पे हसद और लालच की पट्टी बन जाए ना, तो वो हर रिश्ता हर ताल्लुक भूलकर खुदगर्ज बन जाता है। और मैंने महसूस किया है कि नोमी के दिल में तुम्हारे लिए कोई अपनाइयत कोई लिहाज नहीं रहा, लिहाजा तुम अपने लिए कोई और ठिकाना ढूंढ लो। और अम्मी आपके बगैर रहने का तो सोच भी नहीं सकता मैं। सोच तो मैं भी नहीं सकती थी कि मेरे शौहर के घर से मेरी अपनी औलाद मुझे इस तरह बेघर कर देगी। वाह मौला वाह, अपनी मसलहतों से तो खुद ही वाकिफ है। ये क्या कर रहे हो? ये तो बीवियों के करने के काम है, अब शौहर कर रहे हैं, सब कुछ उल्टा चल रहा है यहाँ पर। कैसी हैं आप ही आप? मैं ठीक हूँ, बेहतर हूँ पहले से। तुम क्या कर रहे हो? सुहाना कहाँ है? कुछ नहीं, सुहाना थोड़ा बिजी थी और मैं फ्री था, सोचा अपना वार्डरोब भी सेट कर लूँ। जब से तुम आए हो काफी बिजी रहने लगी है सुहाना। पता है जब तुम ऑस्ट्रेलिया में थे तो ये खाना पकाना ये सारे काम थोड़ी करती थी,
टाइम ही नहीं होता था उसके पास। मिलने जुलने आने जाने में ही टाइम निकल जाता था उसका। वो साथ भाई और आसमा वगैरह। हाँ, और सही भी तो है ना, टाइम अकेले गुजरता कहाँ है, टाइम गुजारने के लिए तो लोग चाहिए होते हैं। तो बस क्या और भी किसी से मिलती थी? क्या हुआ सुल्तान, तुम तो परेशान हो रहे हो। अस्मा, अस्मा से मिलती थी। वो क्या नाम है, बड़ा अच्छा सा लड़का है यार वो, नबील, अस्मा का भाई। भाई उससे तो बहुत ही ज्यादा दोस्ती थी, आए दिन बिरयानियां लेके आता था, कभी दिन में कभी रात में, दो तीन बार तो मैं भी यहीं थी जब वो लोग आए थे। बल्कि यही तो कमरा था, हर वक्त यहाँ दावतें चलती रहती थी। बड़ा दिल बहलाया है उन लोगों ने तुम्हारी सुहाना का। अम्मी और बहन को भी ले आता था वो बेचारा। पता है अजीब सी बात है, इतना अच्छा लड़का, इतना अच्छा लड़का कि एक इशारे पे अपनी गाड़ी बाहर ला के खड़ा कर देता था उसके लिए। और उसका खत्म नहीं हुआ तो तुमने शाजिल को पीछे लगा दिया। भाई बड़ा कमाल लड़का है वो भी, फैन है वो तुम्हारी सुहाना का, बहुत बड़ा फैन। नोमी के सामने आके खड़ा हो गया था सुहाना के पीछे। हाँ, बल्कि वो नोमी इसलिए तो देखा नहीं है तुमने, काफी उखड़ा उखड़ा रहता है उससे। जाहिर सी बात है, एक लड़का हर वक्त सुहाना के साथ हो, हर प्रॉब्लम में उसका साथ दे, तो घर वाले तो परेशान हो जाते हैं ना। समझ रहे हो ना क्या कह रही हूँ मैं? बस आप ही बस करें। अरे क्या हो गया, तुम्हारी तो तबीयत खराब हो रही है, ब्लड प्रेशर डाउन हो रहा है। मैं सुहाना को बुलाती हूँ। अरे सुहाना, सुहाना, क्या हुआ है आपको? सुल्तान आप ठीक तो है ना? इंसान हो या खुद को फरिश्ता समझती हो? साफ साफ कहे क्या कहना चाहते हैं? क्या मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए एकतरफा थी? क्या मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए काफी नहीं थी? जो मेरे होते हुए और सहारे ढूंढने पड़े। इसकी बात कर रहे हैं? नबील और शाजिल। मैं जानती थी कि ऐसा वक्त आएगा जब मेरा सुल्तान बगैर कुछ सोचे समझे अपनी सुहाना को मुजरिम समझ लेगा। ओ खुदाया, क्या सच है क्या झूठ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। सुल्तान भाई जल्द से जल्द यहां से शिफ्ट हो जाएं। कल एक पार्टी आई थी, उन्हें ये घर पसंद आ गया। देखिए माजरत के साथ, अगर वो शाजिल भाई या नबील के हवाले से कुछ कह रहे हैं ना तो कुछ गलत नहीं है। काश आप ऐसी बातों में छुपे शर को समझ सकते तो बिना सोचे समझे ऐसी बात ना करते। काश मोहब्बत में शक ना होता, काश ये काश ना होता। सुल्तान भाई जल्द से जल्द यहाँ से शिफ्ट हो जाएं। कल एक पार्टी आई थी, उन्हें ये घर पसंद आ गया।
और मैंने भी घर देख लिया है, बस एडवांस देना बाकी है और रेंट, फिर मैं भी अपनी फैमिली को लेकर शिफ्ट हो जाऊंगा। और कौन कौन है तुम्हारी फैमिली में? आप और अम्मी भी मेरे साथ जाएंगे। अच्छा, मतलब इफी, सुहाना और मैं अपने लिए कोई और ठिकाना ढूंढ लें। क्योंकि हम लोग तुम्हारी फैमिली का हिस्सा नहीं रहे। अच्छा है, बहुत अच्छा है, तुमने बड़े भाई को एहसास दिला दिया कि अब वो तुम्हारा कुछ नहीं लगता। यही चाहते हो ना तुम? आपने जो समझना है समझ लीजिए। ठीक है, कल से इफी और मैं अपने लिए कोई नया ठिकाना तलाश कर लेते हैं। क्योंकि अब हम आप लोगों की फैमिली का हिस्सा नहीं रहे। रिदा, तू नोमी को समझाना, अगर वो अपना फैसला बदल सकता है तो बदल दे। सुल्तान तो कहता है कि अगर नोमी की यही ख्वाहिश है तो वो इस हक से भी गुजर जाएगा। मुझे तो हर कोई अम्मी हर वक्त चुप ही कराता रहा है, तो मैं इस वक्त चुप ही रहूं तो ज्यादा बेहतर है। फिर थोड़ा जल्दी आना। सुल्तान चाचू आज मेरे साथ जाएंगे नया घर ढूंढने के लिए। काफी गुस्से में है आजकल वो। नोमी चाचू ने उनका दिल तोड़ दिया। तुम्हारे चाचू को ढेर सारी अकल की जरूरत है। मतलब बात वही है जो मैं समझ रहा हूँ? नहीं। हाँ, और क्या हो सकती है? तो इसका मतलब सिद्रा फूफो यहाँ रह के फिर अपनी फितरत दिखा रही हैं। सुल्तान को उस पे भरोसा ही नहीं। उन्होंने फिर कुछ आपसे कहा है? देखिए माजरत के साथ, अगर वो शाजिल भाई या नबील के हवाले से कुछ कह रहे हैं ना, तो कुछ गलत नहीं है। फिर बकवास बंद करो अपनी। चाची मेरा मतलब ये है कि जहां पर सिद्रा पुप्पो जैसी नागन होगी ना और उल्टी सीधी बातें बनाएगी तो किसी का भी दिमाग खराब हो सकता है। लेकिन ये बात तो मैं जानता हूं ना कि इन बातों में कोई हकीकत नहीं है, सब कुछ झूठ है, इल्जाम लगाया जा रहा है आप पे। आप जैसी वफादार और पाक दामन बीवी पर तो फख्र होना चाहिए।
लेकिन तुम्हारे चाचू को ऐसा नहीं लगता। वो तो आपा और रिदा की बातों में आकर मेरे किरदार पर तोहमत लगा चुके हैं। बस कभी कभी थकने लगती हूँ, डर लगता है कि कहीं अपने साथ कुछ कर डालूं। खुदा के लिए चाची, आप सुल्तान चाचू की तरह कमजोर ना बने। उन्हें समझाने की कोशिश करता हूं मैं। वो अब नहीं समझेंगे। फिर देखिए, चाचू के साथ एक मसला है, अगर कोई बाहर का बंदा उन्हें समझाए ना तो समझ जाते हैं, लेकिन अगर वो मेरी बात भी ना समझे ना तो फिर उन्हें वक्त ही समझाएगा। लेकिन आपका किरदार बिल्कुल साफ है, ये आप जानती हैं और आपका अल्लाह जानता है, तो बस उस पर भरोसा रखें और अपनी मंजिल पर नजर रखें। इल्ज़ाम तो मुझ पर भी बहुत लगे हैं, लेकिन मैं भी तो अल्लाह के सहारे ही चल रहा हूँ ना। देखिए, अपनी माँ के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। बात करता हूँ सुल्तान चाचू से मैं। चले, मैं निकल रहा हूँ। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अम्मी, विकी कहाँ है? उसे मैंने ऊपर भेजा है फी के पास, छत पे। अब से वो वहीं सोएगा। उस कमीने के पास क्यों भेजा? मेरा बेटा बर्बाद करना चाहती हैं आप? मैं नहीं जानती, तेरे लिए मशवरा है। बस अब मुझे ही मशवरे देंगी, मुझे ही समझाएंगी। सिद्रा, तू भी अब अपनी आदतें बदल ले। इंसान पालने से सब कुछ सीख के बड़ा नहीं होता। हिदायत मिल जाए तो ले लेनी चाहिए। मेरे लिए किसी को हिदायत नहीं मिलती? मेरे अपनों ने मेरा घर बर्बाद कर दिया। तेरे अपने ही अपने परों में लेके तुझे बैठे हैं। इन्हीं भाइयों की कमाई से छुपा छुपा के मैंने तुझे हमेशा भरा है। बेटों का नहीं सोचा, सोचा तो सिर्फ तेरा, तुझे किसी चीज की कमी ना हो। तेरा मान बढ़ाया, तेरी इज्जत बढ़ाई, छूटा, हक मारा, मगर तेरे तो गिले ही खत्म नहीं होते बेटा। आपको पता है, सारी उम्र मुझे आपसे गिला रहा, लेकिन कभी आपको बता नहीं सकी। माँ बाप जब अपनी बेटियां ब्याहते हैं ना, कम से कम ये देख लेना चाहिए कि किस इंसान के साथ ब्याह रहे। जितना अरसा भी मैंने मुशायद के साथ गुजारा, उसकी मार पीट लान तान सब बर्दाश्त की, कभी अपनी जात का एहसास ही नहीं हुआ। तो क्या तू अपनी महरूमियों का बदला अपने भाई और भाभियों से लेगी? हाँ, कम से कम इफी और सुहाना को नहीं छोड़ूंगी मैं। छोड़ दे बेटा, निकाल ले अपने दिल से ये बातें। अपनी औलादों को बचाना चाहती है ना? विकी और रानी मेरी औलाद है, माँ हूं मैं उनकी। जिस घर से रानी गुजर रही है, दिल फटता है मेरा हर घड़ी हर रोज। रानी अपना किया भुगत रही है। इफी तो अपना खून था ना, लेकिन तेरी बेटी उसे उल्लू बनाती रही।
मेरा मुंह ना खुलवा, सब जानती हूँ। तू जो सुहाना की बात कर रही है ना, जो उसके बारे में सोचती थी, वो तेरी बेटी ने किया है, वो भी तेरी नाक के नीचे।